एक चीज और सीखने की ये है कि सिंगर्स के लिए कोई ऐसी आप टिप देना चाहिए, एनी टिप जो सिर्फ मेरे लिए नहीं पर कोई भी अगर सुने। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें एक चीज मैं कहूंगा बेसिक की से, हम एक छोटा सा चीज कहूंगा। बेसिक टिप है कि पहले तो गाने के अंदर आपको घुसना पड़ेगा, जो गाना आप सीखने जा रहे हो या रिकॉर्ड करने जा रहे हो गाने के अंदर घुसना पड़ेगा। एक भी था हम लोग एक चीज मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये सीखा कि पहले वाला लाइन का एंडिंग एंड नेक्स्ट वाला लाइन का एंट्री, ये दोनों बहुत वाइटल है। ये आपको किसी ने आज तक नहीं बोला होगा, पहले वाला लाइन का एंडिंग एंड सेकंड वाला लाइन का एंट्री, ये दोनों डिपेंड करता है सिंगर के ऊपर। ये दोनों का अगर वो पकड़ लिया तो उसका गाना खराब सुनने को लग ही नहीं सकता किसी भी हालत में। पहले ने उसे ये जो छोड़ा जाने जिगर जा जाने जिगर, ये जो जा ये है एंट्री और जो खो गया हूं उसका एंडिंग। आप देखो तभी ये सुनने को अच्छा लगेगा, खो गया हूं जाने जिगर, तो वो एंडिंग एंड इनका एंट्री, ये दोनों को हमेशा हर गाने में अगर ठीक होता है ना तो गाना एकदम ऐसा लगेगा सुनने में। हमने जिंदगी भर यही सब चीजें इम्प्लीमेंट किया, ये मैंने किसी से सीखा नहीं, माय खुद का एक्सपीरियंस है कि उस पहला लाइन को अगर आप सही करने जाओगे, ज्यादा उसके ऊपर फोकस करोगे तो सेकंड वाला लाइन खराब हो जाएगा। अच्छा, तो आपको ट्रीटमेंट जो करना पड़ेगा वो आप दोनों लाइन को सोच के करोगे। समझ गया बात को, कि एक लाइन का एंट्री, सेकंड लाइन का एंट्री और पहला लाइन का एंडिंग, ये एंडिंग एंड एंट्री लेके आपका गाना कंप्लीट होता है। तो आप जब भी गाना करोगे एंट्री और एंडिंग को सही कर देना, एंट्री को सही कर देना, बस आगे गाना देखना एक के बाद एक जुड़ता जाएगा एकदम क्लियर कट। बढ़िया, इतने नए लड़कियों के साथ गाना गाया, इतने लड़के नए लड़के के साथ गाना, तो मैं कभी इनकार नहीं करता हूँ इस चीज का। भाई न्यू कमर मैं भी एक दिन था, सो जो आ रहा है वो भी न्यू कमर है, ये बहुत बड़ी, हमें मालूम है कि हमें न्यू कमर जब आए थे तो हमको किसी ने सहायता नहीं की है, तो वो चीज मैं तो आप करूंगा, मैं सहायता करूंगा, चाहे वो न्यू कमर आगे बढ़े तो कभी वो हमारा नाम लेगा जिंदगी भर, सोचेगा कि भाई नहीं सामुदाय हमको ठीक रास्ता दिखाया था। तो ये बात है, दैट इज द थिंग। थैंक यू सो मच।